नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स 24 पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं गाड़ी का, KTM ड्यूक 200 का। करीब करीब 2 साल और 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसके बाद इस पर बताएंगे कि गाड़ी को इतना चलाने के बाद किस कंडीशन में अभी और कैसा रहा, गाड़ी को चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा कि गाड़ी किस कंडीशन में अभी है, कितना क्या चलता है उसके हिसाब से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत इसका गाड़ी का एक ओवरव्यू ऊपर से दिखा देते हैं कि किस कंडीशन में अभी है, किस तरह से अभी लुक वाइज में दिखने में लग रहा है कि गाड़ी को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रफ यूज किया गया जिससे कि बहुत ज़्यादा इसका कंडीशन भी है, तो उसका पता भी चल जाएगा कि किस कंडीशन में एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो है उसका यूज करने के बाद आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हल्का इसका मीटर देख लेते हैं और जिस पर कि आपको उसका पूरा डिटेल दिखेगा कि कितना किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है। इधर मीटर की तरफ देखेंगे तो इधर कुछ इसका इंडिकेटर्स है, इधर भी इंडिकेटर, इधर 2 बटन है, एक मोड एक सेट का। तो इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। इधर की तरफ आपको मिल जाएगा इंडिकेटर का है, इधर मेन फंक्शन का है, इधर आपको फिर उसके बाद मिल जाएगा RPM का, इधर न्यूट्रल का, इधर पासिंग का, इधर ABS का है। और ये कोई प्रॉब्लम अगर गाड़ी में रहेगा तो हालांकि प्रॉब्लम है तो इसलिए जल रहा है। इधर आपको सेट बटन मिल जाएगा, इधर आपको मोड मिल जाएगा। उसके बाद अगर मीटर की तरफ आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा टेम्परेचर, इस साइड की तरफ आपको फ्यूल मिल जाएगा, यानी राइट साइड में फ्यूल है, इधर टेम्परेचर का है। इस पर बीच पे आपको लिखा रहेगा साइड स्टैंड, जो डाउन रहेगा तो डाउन, अगर ऑन है तो, और फुल रहेगा तो हट जाएगा ये। उसके बाद इधर आपको इसका पूरा किलोमीटर दिखाएगा और ट्रिप भी दिखाएगा। तो इसमें 2 ट्रिप दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी एक टोटल है, अभी ट्रिप 1 है, ट्रिप 2, और ये टोटल का हो गया। तो टोटल 19,195 किलोमीटर चला हुआ है। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको टाइमिंग, हालांकि टाइम गलत है। इधर अगर आप सेट बटन इस पर अगर डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा, इधर ये आपको किलोमीटर का दिखाएगा कितना किलोमीटर पर लीटर चल रहा है, यहाँ पे नीचे वाला में, ऊपर अलग है। उसके बाद फिर साइड बटन है, यहाँ पर आपको कितना जो एवरेज इस पर लिखा हुआ नहीं है पर किलोमीटर है, इधर सेटिंग्स मतलब सर्विस का है, रिमाइंडर देख रखा है, फिर सर्विस वाला ही आ गया, कितना बचा हुआ है वो आपको इसमें बता देगा, कितना क्या है एवरेज दे रखा है। ये पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस जगह इस पे पूरा दिखाते रहेगा इस जगह पे। तो इस तरह का है इसका। उसके बाद दोस्तों इतना देखने के बाद आपको अगर राइट हैंड साइड के कंट्रोल पे आए तो इधर आपको दिखाते हैं, इंजन किल ऑफ ऑन के लिए है और इधर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड कंट्रोल पे अगर बात करें तो इधर आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, पासिंग, और इधर हॉर्न का है, हॉर्न बैटरी का भी लो है, बरसात की वजह से है जो इसमें पानी पड़ गया तो इसमें अभी दिख नहीं रहा है थोड़ा बहुत। इधर पासिंग का है। तो गाड़ी का एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। अगर फ्रंट की साइड बात करें तो आप इधर देख पा रहे हैं, इधर एक DRL है जो कि नीचे दिया हुआ है, चाबी ऑन करने पर यह जल जाता है, हालांकि ये DRL LED नहीं है, ये बल्ब वाला है। इधर आपको हेडलाइट मिल जाता है जहाँ की आपको पासिंग अगर आप देखें तो ये LED नहीं है, ये भी बल्ब वाला है। उसके बाद आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो इधर रिफ्लेक्टर और इधर ब्रेक की तरफ आते हैं नीचे, तो बड़ा सा ब्रेक ये डिस्क पैड दिया हुआ, बड़ा है, बढ़िया है, हालांकि ब्रेकिंग में बहुत ही बेहद ही अच्छा है। ABS भी है इसमें, तो आपको स्पीड कम करेगा, हालांकि 200 cc का है तो बेहद ही बढ़िया है जिसमें कि ये दिया हुआ। ट्यूबलेस टायर है, टायर बढ़िया है इसमें। हाँ, इसका जो पीछे का टायर है वो ज़्यादा ही पंचर वगैरह ज़्यादा होता है, पता नहीं क्या है इसका, इतना ये इसका जो हाइट बहुत कम है जिससे कि पूरा पता भी नहीं चलते रहता है कि कितना मतलब ख़त्म भी हुआ हवा या नहीं है, ये नहीं पता चलता। इसमें अगर एयर प्रेशर मीटर में अगर दिया रहता, अगर मेजर करने का, तो बेहतर बढ़िया रहता, जिसमें कि आप देख पाते कि कम है या ज़्यादा है, बट इसमें थोड़ा पता नहीं चलते रहता, तो हमेशा इसको आपको नापना पड़ेगा कि ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी अगर सिंगल आदमी पे रहता है तो पता नहीं चलते रहता है। इधर की तरफ देखें तो इधर रेडिएटर लगा हुआ है, गाड़ी लिक्विड कूल में है तो कूलिंग थोड़ा बेहतर ही अच्छा से होगा, जो कि आप लॉन्ग जो चला सकते हैं, ज़्यादा दूर तक का रेंज आपको मिल जाएगा। इधर आपको स्टैंड और साइड स्टैंड में आपको सेंसर दिया हुआ है जिससे कि गाड़ी अगर साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट होकर नहीं चलेगा, तो एक बेहद ही बढ़िया है जिससे कि आप एक सेफ्टी मेजर मिल जाता है कि अगर आप स्टैंड जब तक खोलने होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगा, जब तक अगर स्टैंड डाउन रहेगा तो नहीं चलेगा। और ऊपर आपको मीटर पे भी दिखाएगा कि स्टैंड डाउन है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि स्टैंड डाउन है, इस वजह से नहीं चल पा रहा है। इधर की तरफ चैन है, हालांकि ये लूज कम होता है। इधर सॉकर मिलेगा जो कि सिंगल सॉकर है, बट हैवी है, मजबूत है और सॉकर बढ़िया है। इधर की तरफ आपको स्पेसिंग के लिए है, यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पेस के लिए है जहाँ पे आप अपना कुछ जो गाड़ी का रिंच वगैरह और पेपर्स है वो इसमें आ जाता है, ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है, बट इसमें इतना है कि ये सब अपना आ जाता है, हालांकि ये रखा हुआ है बहुत दिन से, इसको ओपन कभी करते नहीं हैं, तो इस तरह का है। पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो इधर एक लाइट है, इंडिकेटर गया हुआ, टूट गया हुआ इंडिकेटर यहाँ पर, और यहाँ पर है, इधर बैकलाइट है,
अगर लाइट जलाएं तो सफिशियंट लाइट आ जाता है। उसके बाद इधर नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो इधर नंबर प्लेट के लिए है और इसमें एक लाइट लगा हुआ है जिससे कि आप ये देख सकते हैं। इधर की तरफ अगर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, हालांकि ये आगे से छोटा है, इसका प्लेट जो है वो आगे से छोटा है, आगे की तरफ बड़ा प्लेट लगा हुआ है, इसके इधर छोटा लगा हुआ है। हालांकि छोटा है बट ये भी आपको बिल्कुल स्टेबल ब्रेकिंग दे देता है। ABS इसमें भी है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें ABS दिया हुआ है जो कि आपको ब्रेकिंग में बहुत ही बढ़िया काम करता है और आपको बिल्कुल ही गाड़ी स्किड नहीं करेगा। ये भी ट्यूबलेस है लेकिन वही इसमें भी इतना कम है कि आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलते रहता है कि गाड़ी में हवा है भी या नहीं है, ख़त्म हो गया या है। हाँ, ज़्यादा लोड पर तो पता चलता है बट अगर सिंगल लोड पर तो इसे भी नहीं पता चलता है। तो इसमें अगर मीटर दिया रहता है एयर प्रेशर का तो बढ़िया रहता है। और इसका हवा इतना ज़्यादा लीक करते रहता है, निकल जाता है बहुत ज़्यादा इस साइड इसका निकल जाता है, पता नहीं का है बट इसका बहुत ज़्यादा हवा निकल जाते रहता है। तो उसे एक खराबी हो जाता है कि बहुत ही जल्दी टायर ख़राब हो जाता है, लाइनिंग वगैरह सब इसमें पड़ गिर जाता है। और इस साइड नहीं उस साइड की तरफ पड़ा हुआ है लाइनिंग। इधर की तरफ देखिएगा तो आपको मिल जाता है इधर ब्रेक ऑयल के लिए, जहां आप ऑयल इसमें रख सकते हैं ब्रेकिंग के लिए। आगे के लिए तो ऊपर ही दिया हुआ है बट यहां आपको पीछे वाले में ब्रेक ऑयल इस यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखिएगा तो इधर ये साइलेंसर, इधर इसका हल्का सा इधर दिया हुआ है, इधर पूरा साइलेंसर बड़ा दिया हुआ है। क्वालिटी इधर अगर प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें तो बेहद ही बढ़िया से दिया हुआ, पूरा एकदम कवर करके दिया, यानी इंजन के जो अंदर में है वो पूरा एकदम प्रोटेक्टेड रहता है, तो एक बेहद ही बढ़िया रहेगा। इधर क्लच जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से आपको मोबिल रिफ्यूल करने के लिए दिया हुआ है, जहाँ से आप मोबिल को रिफ्यूल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे वही रेडिएटर का है, और ऊपर की तरफ इसका जो कूलेंट इसको आपको डालने का है वो यहाँ से डालेगा कूलेंट, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कूलेंट, तो आप यहाँ से इसमें कूलेंट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस गाड़ी से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।